Hello everyone, I am Rohan Sharma. Welcome you to Abhyas Institute of Education. Let's continue our chapter of class 8, jiska naam hai Algebraic Expressions and Identities. Last video tak hum kaafi cheeze samajh chuke hain, is chapter ke basics samajh chuke hain. Expression kya hota hai, कैसे वो टर्म से बनता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फर्दर लाइक टर्म्स क्या हैं, अनलाइक टर्म्स क्या हैं, जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हों उनके अंदर एडिशन कैसे करें, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे करें, एंड एक एक्सप्रेशन का एक मोनोमियल के साथ, एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ये हम सीख चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था जहां मैं कह रहा था a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, कुछ ऐसा ही कुछ इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था. अब ये तो हो गया हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एक काम करते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं, इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारे पास बायनोमियल्स हैं, दैट इज दो अलग-अलग एक्सप्रेशन है, दोनों में ही एटलीस्ट दो टर्म्स तो हैं ही हैं, मतलब एक बायनोमियल है दूसरा बायनोमियल भी हो सकता है एक्सप्रेशन, या फिर ट्राइनोमियल भी हो सकता है. तो ऐसे केसेस में हम मल्टीप्लाई क्या करें, बच्चे कई बार हो जाते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज, तो ये वीडियो ऐसे कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए है, जिसके बाद आप आराम से अपनी एक्सरसाइज 9.4 बहुत मस्के से बहुत चुटकी बजा के कर सकते हैं. अब अगर स्टार्ट करें, मेरे पास है सबसे पहला क्या है, मैंने लिखा है मल्टीप्लाई और फर्स्ट पार्ट में लिख दिया है 2x plus 5 and 4x minus 3. यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों के दोनों बाइनोमियल्स, मतलब दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म्स हैं. अब एक काम कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि हम लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, एक काम करते हैं, यहाँ जो दो बाइनोमियल्स हैं इसको एक काम करते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2x plus 5 and था और क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट 4x माइनस 3. अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में, जिससे मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वही उसी कंडीशन में आ जाए जिसमें मेरे पास लास्ट वीडियो में, लास्ट एक्सरसाइज में, जो आप अपने बुक की एक्सरसाइज देखोगे तो लास्ट एक्सरसाइज के हिसाब से हो चुके हैं. जैसे कि मेरे पास क्या 2x plus 5 multiply by 4x minus 3, एक काम करते हैं मेरे को 2x को 4x minus 3 से करना है और plus 5 को भी 4x minus 3 से करना है. सो इसको इसी तरीके से लिख देते हैं 2x multiply by 4x minus 3 plus 5 multiply by 4x minus 3. अब इसके बाद हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहा, क्यों, बिकॉज अब वही है monomial binomial, monomial binomial, ये तो हमें मल्टीप्लाई करना आता ही है. 2x multiply by 4x, 4 2s are 8, x multiply by x, x square, 2x multiply by minus 3, minus 6x, plus, यहाँ plus क्यों आ रहे हैं, sign का थोड़ा सा ध्यान, plus इसलिए आ रहे हैं because 5 से पहले plus है, plus 5 multiply by 4x, plus 5 multiply by minus 3, ये तरीका है जिसके थ्रू हम यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई. यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहां थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं. 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 4 इज 20, 8x इज 20x, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो यहां आ गया प्लस इन द ब्रैकेट माइनस 15. अब अगर इसको करें सिंपलीफाई तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x क्या हो जाएगा, प्लस 14x माइनस 15. ये रहा मेरा रिजल्ट. आई होप समझ आया कैसे जब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में बाइनोमियल हो तो मल्टीप्लाई कैसे करें. अगले पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अब आगे कैसे करेंगे. ऐसे ही मैंने दो और पार्ट लिखे हैं, कुछ कुछ हल्की सी डिफिकल्टी लेवल हर जगह बढ़ रही है, कहीं पे मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस इंक्लूड कर दिए हैं, कहीं मैंने टर्म्स ही ऐसे लिए हैं जो थोड़ा सा लगे कि भाई डिफिकल्ट लग रहे, लेकिन होगा हर चीज आसान. जल्दी से देखते हैं ये पार्ट कैसे होगा. मेरे पास है a plus 3b and x plus 5, दोनों एक्सप्रेशन को करना है मल्टीप्लाई. सो इसको कर देते हैं ब्रेक, पहले वाले को ब्रेक करते हैं, मेरे पास क्या आएगा a मल्टीप्लाई बाय x plus 5 plus 3b मल्टीप्लाई बाय x plus 5. फर्दर आगे चलते हैं, a मल्टीप्लाई बाय x plus a मल्टीप्लाई बाय 5 plus 3b मल्टीप्लाई बाय x plus 3b मल्टीप्लाई बाय 5. मेरे पास क्या आ गया ax plus 5a plus 3bx
प्लस 15b। क्या यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है? लाइक टर्म मतलब जिनके वेरिएबल्स हो सेम। यहाँ पे है ax, यहाँ a, यहाँ bx, यहाँ b, तो कोई भी सेम नहीं है। तो क्या होगा? होगा ये कि इसको as it is छोड़ दो, मतलब कि ये रहेगा ax, ये 5a, 3bx और ये होगा 15b। सो ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। आई होप समझ आया है। अगर समझ आ गया जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब अगर थर्ड पार्ट को देखें तो लिखा क्या है, इट इज 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एंड 4 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मतलब कि ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको करना है मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले यहां पे पहले ही मेरे पास 4 है बाहर, तो क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने से पहले अंदर कर लेते हैं 4 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, ताकि काम हो जाए मेरा आसान। क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास यहां आ जाएगा 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर एंड यहां पे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। कुछ नहीं किया, बस 4 को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहले इस टर्म को लिख दिया है। वरना एक और काम हो सकता है, वो क्या है, एंड जब मैं लिख रहा हूं तो यहां आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 अपॉन 3 बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे पता है कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। एक काम करते हैं, इस स्टेप को आगे लेके चलते हैं। मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 4 ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, जैसे ये दो पार्ट किए हैं, 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहां लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड 2 पी प्लस क्यू। मेरे पास यहां क्या आएगा, 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ए स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट माइनस 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर। आगे चलते हैं, प्लस 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर। अब अगर ध्यान देखें तो यहां कुछ कुछ चीजें हो रही है सिंप्लीफाई, जैसे 4 से 4 कट, 4 1 the 4, 4 multiplied by minus 2 is minus 8, similarly 3 1 the 3 and 3 1 the 3। तो मेरे पास result क्या आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं 3 multiplied by a to the power 4, क्यों, a square multiplied by a square, so 3 a to the power 4। अब यहाँ पे क्या है, 3 a square multiplied by minus 2 b square, so plus minus हो गया, minus मेरे पास आ गया, minus 3 2 the 6 a square b square प्लस 4 3 इज़ 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 बी स्क्वायर, तो यहां आ गया माइनस 8 बी टू द पावर 4। क्या यहां पे कोई लाइक टर्म है, बिल्कुल है, ये भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट विल बी 3 ए टू द पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 b to the power 4। ये है मेरा फाइनल आंसर। तो जो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज लग रही थी कि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ गए, यहाँ पे a to the power 2 है, b to the power 2 है, यहाँ माइनस भी है, बाहर 4 भी है, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं बहुत छोटी सी और बड़ी प्यारी सी टर्म निकल के आ गई, विच इज 3 a to the power 4 प्लस 6 a square b square माइनस a मल्टीप्लाई बाय b to the power 4। ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर इतना हो गया, जल्दी से अभी के लिए अगले पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, p square minus q square and 2p plus q को करना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, आ जाओ, बहुत आसान है, p square minus q square multiply by 2p plus q, इतना हो गया। फिर से इस पूरे को कर दो स्प्लिट, p
पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p प्लस q। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे क्या, यहां पे q स्क्वायर से पहले है माइनस, सो माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p प्लस q। आगे करें तो क्या आएगा, p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p प्लस p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q। अब अगर हल्का सा यहां माइनस प्रॉब्लम दे रहे हो तो यहां प्लस लगाओ, जब q स्क्वायर कर रहे हो उसे उसके बाहर लगाओ दे माइनस। फॉर एग्जांपल प्लस करके मैं यहां पे भी माइनस लगा सकता हूं, फिर भी आंसर आएगा सेम। आगे चलिए, p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p मेरे पास आ जाएगा p टू द पावर 3 और यहां कांस्टेंट क्या है 2, सो 2p क्यूब या फिर 2p टू द पावर 3 प्लस p स्क्वायर क्यूब। आगे क्या है, p q स्क्वायर और q स्क्वायर के आगे है माइनस, तो मेरे पास यहां आएगा p q स्क्वायर, यहां पे है 2 सो माइनस 2 p q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q सो माइनस q q। फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है मेरे को, फाइनल रिजल्ट मिल रहा है 2p टू द पावर 3 प्लस p स्क्वायर q माइनस 2p q स्क्वायर माइनस q q q की पावर 3। क्या यहां कोई लाइक टर्म्स हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों मेरे लाइक टर्म्स हैं, दैट इज p टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय p q स्क्वायर, अगर ये लाइक टर्म्स लग रही है तो मतलब आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की अच्छे से नहीं देखी है, जहां मैं लाइक और अनलाइक टर्म्स का डिफरेंस बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करो, आराम से उसको देखो, समझो दोनों में फर्क क्या है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया अभी के लिए, 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यूब स्क्वायर एंड माइनस q क्यूब पूरा एक्सप्रेशन है। आई होप समझ आया। जल्दी से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट से, फिर करेंगे इस वीडियो को वाइंड अप। अब अगर आगे चलें, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, जिसके हमें बहुत सारे पार्ट्स दिए लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अभी पहले क्वेश्चन 1 और 2 में किया था। तो एक काम करते हैं, सिर्फ दो पार्ट ले लेते हैं उन बहुत सारे पार्ट्स में से और देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले पार्ट हमने कौन सा लिया, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज इन वन ब्रैकेट वी हैव एक्स प्लस वाई, इन द अदर वन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बीच में कोई साइन नहीं है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन का हमें हिंट नहीं दिया हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे क्या करें, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपको बता चुके ये क्या है हमारे पास बाइनोमियल, इसको स्प्लिट कर दूं, मेरा ये एक्स भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, वाई भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे छोटा सा स्टेप मिस कर रहा हूं कि एक्स को हर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ये आई होप अब तक आपको आ गया होगा समझ। जल्दी से अगर आगे चल तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखो क्या हमारे पास कोई लाइक टर्म है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस ये प्लस, क्या होगा, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, सॉरी नॉट दिस बट दिस वन, एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस ये हो गया मेरा प्लस। यहां मेरे पास था एक्स वाई स्क्वायर, अब ये है एक्स वाई स्क्वायर और यहां भी एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, क्या होगा, ये भी मेरा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या रह गया मेरे पास, जो रिजल्ट निकल के आया दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस पूरी चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अगले क्लास में क्लास 9th में ये हमारे पास एज आइडेंटिटी दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन आया है समझ। जल्दी से आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अगले पार्ट को। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले के मुकाबले अलग चीज क्या है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमारे पास बाइनोमियल्स थे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक ब्रैकेट में बाइनोमियल है, दूसरे में ट्राइनोमियल है। जो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे दोनों में तीन तीन टर्म है, मतलब ये एक्सप्रेशन भी ट्राइनोमियल हो गया और ये भी मेरा हो गया एक ट्राइनोमियल। तो हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आ जाओ ये देखते हैं इसका क्या करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट बस फर्क ये है यहाँ तीन टर्म्स हैं। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी है। तो ए एक बार पूरे से मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट से, फिर बी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी। तो इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं। मेरे पास क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी। मेरे पास रिजल्ट का निकल क्या आएगा, मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। कैसे आया, ए पहले मल्टीप्लाई हुआ ए से, फिर ए हुआ बी से, फिर ए सी से, वैसे बी पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, एंड सेम गोज विद दिस ब्रैकेट। अब मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्या यहाँ पे कोई और ऐसी टर्म है जहां पे ए बी मिल रहा है, बिल्कुल है, ये रहा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आगे ए बी है नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या आया ए सी, क्या आगे ए सी है, बिल्कुल है, ये है माइनस ये है प्लस, क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी हो गया खत्म। वैसे जैसे माइनस टू प्लस टू मेरे पास रिजल्ट आता है जीरो। आगे ए बी यहाँ पे इंक्लूड हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी, अगेन एक है माइनस में दूसरा है प्लस में, ये भी हो गया कैंसल आउट। इसके बाद सीधा बचा माइनस सी स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, इट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये है मेरा फाइनल आंसर, फाइनल आउटकम। आई होप दोनों पार्ट समझ आए हैं। इस पार्ट में बाइनोमियल वॉज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय अ ट्राइनोमियल, यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेशन से ट्राइनोमियल। इसी के साथ आई होप आपको समझ आया कि जब मेरे पास मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल से एक स्टेप आगे आएगा, बाइनोमियल गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल, बाइनोमियल गेटिंग मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल गेटिंग मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल इटसेल्फ, तो कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करके आगे स्टेप्स में बात करेंगे। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं वीडियो को यहीं पे। आई होप हर चीज आई है समझ। जल्दी से अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8th में भी काम आएंगी, 9th में भी, क्लास 10th में भी, वो रहा हमारा अगली वीडियो का काम। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, अगर समझ आया हो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर अब तक नहीं किया, एंड अगर कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। थैंक यू।